कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने का एक मज़ेदार तरीका है मेक कोड फॉर माइक्रोबिट मेक कोड फॉर माइक्रोबिट एक ऑनलाइन सिमुलेटर है जहां पर आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग करके कोड करते हो और फिर आप माइक्रोबिट का जो सिम्युलेटर लगा है उसमें अपना कोड रन करके देख सकते हो कि उस कोड की आउटपुट क्या है माइक्रोबिट में लगे सेंसर्स और इनपुट आउटपुट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनमें से बहुत सारे इस सिमुलेटर में काम करते हैं तो अगर आपके पास माइक्रोबिट नहीं भी है तो भी आप मेक कोड को यूज करते हुए बहुत हैंड्स ऑन तरीके से प्रोग्रामिंग सीख सकते हो तो हम मेक कोड में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल सीखते हैं जैसा मैंने कहा मेक कोड एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ जो कमांड्स हैं वो सिंपल इंग्लिश में ब्लॉक्स में लिखी गई हैं और आप इन ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोड लिख सकते हो तो मेक कोड बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे स्क्रैच जो कि एक और ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा क्या है कि आपको जो सिंटैक्स है कि कहाँ कोलन आएगा कहाँ सेमी कोलन आएगा या कमांड का एग्जैक्टली exactly स्ट्रक्चर क्या है इन सब चीज़ों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती रादर आपको केवल जो प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल लॉजिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड इनफैक्ट मेक कोड में प्रोग्राम लिख कर आप नॉट ओनली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो आप प्रोग्रामिंग लॉजिक को भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हो सबसे पहली फंडामेंटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जिसको हम समझते हैं वो है इवेंट्स और इवेंट हैंडलर्स इवेंट फॉर एग्जांपल सम एक्शन टेकन बाय द यूज़र हैं जैसे कि ये ऑन बटन ए प्रेस जो कमांड है ये अगर आप माइक्रोपिट में देखोगे तो यहाँ पर यह ए बटन है यहाँ पर यह बी बटन है ये इवेंट यूज़र ड्रिवन है कि जब यूज़र बटन ए दबाता है या बटन बी दबाता है तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि जब यूज़र बटन ए दबाएगा तो क्या हो तो फॉर एग्जाम्पल जब बटन यूज़र बटन ए दबाएगा तो हम मे बी एक म्यूज़िकल नोट जो है वो प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर जब मैं बटन ए दबाता हूँ तो ये जो नोट है ये बजता है इसलिए ये जो बटन ए प्रेस्ड है ये एक इवेंट है और फिर इवेंट हैंडलर है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर कोई इवेंट होगा तो उसके बाद क्या होगा जैसे इस केस में म्यूज़िकल नोट का बजना उसको हम इवेंट हैंडलर कहते हैं माइक्रोबिट में इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑन बटन ए प्रेस्ड ऑन शेक ऑन पिन ज़ीरो प्रेस्ड ऑन पिन जीरो रिलीज ऑन लोगो प्रेस्ड ऑन लाउड साउंड ये सब जो साउंड और लोगो है ये माइक्रोबिट वर्जन टू में काम करता है तो हम एक एग्जाम्पल से इवेंट और इवेंट हैंडलर को बेटर समझते हैं हम चाहते हैं कि अगर यूज़र ए बटन प्रेस करे तो उसको एक स्माइली मिल जाए और बटन बी प्रेस करे तो उसको एक सैड फेस मिल जाए तो इसके लिए मैंने मेक डॉट माइक्रोबेड डॉट ऑर्ग वेबसाइट में जाके एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और यहाँ पर मैं इनपुट में जाके ये कमांड ला रहा हूँ ऑन बटन ए प्रेस्ड और अगर मैं ए का ड्रॉप डाउन दबाता हूँ तो मुझे और ऑप्शंस मिलती हैं ऑन बटन बी प्रेस्ड एंड ऑन बटन ए प्लस बी प्रेस्ड तो नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जब यूज़र बटन ए प्रेस करे तो उसको एक स्माइली मिल जाए तो ये बटन ए प्रेस जो है ये इवेंट है अब इस इवेंट के होने पे क्या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हों हम ये लिख रहे हैं तो एल ई डीज़ लाइटअप करने के लिए मैं बेसिक में जाके शो एल ई डीज़ करके यहाँ पर एक स्माइली फेस बना रहा हूँ और यहीं पर इसको राइट right क्लिक करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो ये जो है ये ग्रे आउट हो गया है क्योंकि ये क्लैश है हम दोनों कमांड्स कह रहे हैं ऑन बटन ए प्रेस्ड इसलिए हमारे को अगर हम इस पर माउस हवर करते हैं तो ये कह रहा है कि दिस ब्लॉक इज डिसेबल्ड एंड विल नॉट रन अटैच दिस ब्लॉक टू एन ईवेंट टू इनेबल इट और इवेंट इसलिए है क्योंकि ये इवेंट ए ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं तो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन पर जाके बी दबा रहे हैं और हम इंस्टेड ऑफ ए स्माइली फेस एक सैड फेस दिखा रहे हैं ये तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है पर अगर आप और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखो तो इट इज़ अ गुड हैबिट कि आप उसको कॉमेंट भी कर दो तो अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग ब्लॉक में जाके राइट right क्लिक करते हो तो आपको ये सारी एडिशनल कमांड्स मिलती हैं डुप्लीकेट ऐड कमेंट डिलीट ब्लॉक हेल्प तो अगर आप यहाँ ऐड कमेंट करते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑन इवेंट बी प्रेस्ड शो सैड फेस आप कोई भी कमेंट लिख सकते हो और कॉमेंट्स खासकर यूजफुल होंगे अगर आप एक टीचर हो और आप आप अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे हो तो आपका स्टूडेंट्स आपके प्रोग्राम को देख के जहाँ पर ये कमेंट का आइकॉन है इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि वो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि एग्जैक्टली exactly इनका फंक्शन क्या है इसी तरीके से अगर आपको मेक कोड में किसी भी ब्लॉक को समझना है तो अगर मैं जाके कोई भी रैंडम पर कोई नया ब्लॉक ला रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि ये ब्लॉक करता क्या है तो मैं इस ब्लॉक में राइट क्लिक करके हेल्प दबा सकता हूँ तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्चुअल हेल्प जो है ये आ जाती है इसके लिए आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और यहाँ पर ये समझा देती है कि ये एक इफ़ स्टेटमेंट है जो कि बुलियन कंडीशन टेस्ट करता है एट्सेट्रा आप किसी भी कमांड में राइट क्लिक करके हेल्प दबा के ये जान सकते हो कि वो कमांड का एग्जैक्टली exactly काम क्या है तो हमने ये जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा है हम इसको ट्राई कर सकते हैं सिमुलेटर में मैं सिमुलेटर को फुल स्क्रीन कर रहा हूँ और यहाँ जब मैं बटन ए दबाता हूँ तो मुझे स्माइली फ़ेस मिल जाता है और जब बटन बी दबाता हूँ तो सैड फेस मिल जाता है मेक कोड में एक पर्टिकुलर इवेंट है ऑन स्टार्ट जो कि एक स्पेशल इवेंट ब्लॉक है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये ब्लॉक जब भी प्रोग्राम शुरू होता है तब एग्जीक्यूट होता है तो ऑन स्टार्ट के अंदर हम जो भी कमांड लिखेंगे वो जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा तो वो वन टाइम रन कर जाएंगी और ये इसके ऑन स्टार्ट ब्लॉक के अंदर जो भी कमांड्स होंगी वो सबसे पहले रन करेंगी बिफोर एनी अदर इवेंट तो ऑन स्टार्ट ब्लॉक फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं जब हमारे को कोई चीज़ इनिशियलाइज़ करनी हो जैसे मान लो आपने कोई गेम बनाया और गेम में स्कोर आप रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि जितनी बार नया गेम शुरू हो उतनी बार स्कोर जो है वो ज़ीरो पे रीसेट हो जाए ये कमांड की ऑन स्टार्ट मेक स्कोर वेरिएबल ज़ीरो ये आप ऑन स्टार्ट में डालोगे या फॉर एग्जांपल आप सेट ब्राइटनेस जैसी कमांड को ऑन स्टार्ट पे डाल सकते हो तो हम इसको समझते हैं कि जो हमने अभी प्रोग्राम लिखा है हम जो माइक्रोबिट की एल हैं उनकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और हम ब्राइटनेस एल की कितनी हो इसको हम ऑन स्टार्ट पे डिफाइन कर सकते हैं तो ऑन स्टार्ट ब्लॉक जो है जब आप नया प्रोग्राम शुरू करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर होता है पर अगर आपने गलती से उसे डिलीट कर दिया है तो ये ब्लॉक आपको बेसिक के अंदर मिलेगा बेसिक में आप स्क्रोल डाउन करोगे तो ऑन स्टार्ट ब्लॉक यहाँ पर है और एल की ब्राइटनेस जो है वो एल की uh, के मेन्यू पर अगर आप जाओगे तो यहाँ जाके मोर आप दबाओगे तो ये सेट ब्राइटनेस का की कमांड है और ब्राइटनेस जो है वो ज़ीरो से लेके 255 तक हो सकती है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमें चाहिए वेरी लो ब्राइटनेस 55 तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो अब जब मैं सिमुलेटर चलाता हूँ और बटन ए दबाता हूँ तो जो मेरी एलईडीज़ हैं वो लाइट अप हो रही हैं पर उनकी ब्राइटनेस बहुत कम हो गई है और अगर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाता हूँ और फिर इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो मेरी एल हैं वो ब्राइटर हो गई हैं फिर जब भी आप कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हो तो एक और इवेंट ब्लॉक जो अपीयर होता है उस वो है फॉर और फॉर जो है क्या वो इवेंट है कि क्या वो लूप है लूप होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब हम किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम कोड बार बार लिखने के बदले उस कोड को एक लूप में डाल देते हैं और डिफाइन कर देते हैं कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो दो बार चार बार चार हजार बार चालीस हजार, हजार बार तो लूप्स इस तरीके से काम करते हैं तो ये जो फॉर एवर ब्लॉक है ये एक अगेन एक स्पेशल ब्लॉक है क्योंकि ये प्योर लूप नहीं है ये एक इवेंट बेस्ड लूप है इसके अंदर जो भी कमांड्स आप लिखोगे वो बैकग्राउंड में थ्रू आउट योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होती रहेंगी तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें अगर हम चाहते हैं कि पीछे थ्रू आउट म्यूज़िक बजता रहे तो हम एक मेलोडी की कमांड को फॉर लूप के अंदर डाल सकते हैं तो जैसे ऑन स्टार्ट जो प्रोग्रामिंग ब्लॉक है वो जब भी आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो बाय डिफ़ॉल्ट अपीयर होता है फॉर भी फॉर ब्लॉक भी इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट में अपीयर होता है पर अगर आप डिलीट कर दो तो आप बेसिक में जाओ तो यहाँ पर ये फॉर ब्लॉक मिलेगा और यहाँ पर हम म्यूज़िक बजाना चाहते हैं तो म्यूज़िक की माइक्रोबिट में बहुत सारी ऑप्शन हैं मेलेडी है प्ले अ पर्टिकुलर टोन है या प्रॉपर पूरी रिपीटिंग मेलेडीज हैं और अगर माइक्रोबिट वर्जन टू है तो उनमें और भी साउंड इफेक्ट्स अवेलेबल हैं तो यहाँ से जाके मैं ये प्ले मेलेडी मेलेडी की कमांड ला रहा हूँ और यहाँ पर आप अपनी मेलडी जो है वो बना सकते हो तो अगर आप सरगम बजाना चाहते हो तो वो इस तरीके से बजेगी इस तरीके से बज रही है पर अगर आप चाहते हो कि ये ज़्यादा फास्टर बजे तो आप इसकी टेम्पो या जो बीट्स पर मिनट है इसको भी चेंज कर सकते हो तो अगर मैं इसको 180 कर देता हूँ और क्योंकि मैंने ये कमांड को फॉर लूप में डाला है इसलिए बैकग्राउंड में ये इस फॉरेवर लूप के अंदर जो भी कमांड्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एग्जीक्यूट होती जा रही हैं तो अगर मैं यहाँ पर ए दबाता हूँ तो मेरा ए भी काम कर रहा है ब्राइटनेस भी काम कर रही है और साथ ही पीछे म्यूजिक जो है वो बजता जा रहा है फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गेम बना रहे हो आप उसमें अगर बैकग्राउंड में म्यूजिक देना चाहते हो इस तरीके से आप म्यूजिक दे सकते हो आई होप आपको इवेंट इवेंट हैंडलर्स और इवेंट के ये दो स्पेशल केसेस ऑन स्टार्ट और फॉर ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स समझ में आए नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में समझेंगे